हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11, लेक्चर नंबर 3। चैप्टर कौन सा है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इसमें दो लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने हेडिंग 11.1 उसकी सब हेडिंग और 11.2 उसकी सब हेडिंग्स को कवर किया हुआ है। यह हम लोग 11.3 एनसीईआरटी का ओपन है, बुक निकाल लो फटाफट से, ऐसे खाली लेक्चर देखने से काम नहीं चलने वाला है। एनसीईआरटी सामने रख के बैठो, ठीक है ना? जो पढ़ाता जा रहा हूँ, जहाँ मार्क्स समझाता जा रहा हूँ, उसको मार्क करते जा रहो, लिखते चलो, तो ये लेक्चर तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, निकाल लिया एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में निकाल लो 11.3 हेडिंग, 11.3 उसके अंदर दो हेडिंग है, 11.3.1 हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, 11.3.2 वाटर मूवमेंट। तो हम स्टार्टिंग करेंगे 11.3 से, जिसकी हेडिंग है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है ना, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है, उसके बारे में यहां पे सारी बातें होने वाली है। तो आओ समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। 11.3 आ गया, निकाल लिया, यही पेज है नंबर, तो ये नई बुक का पेज है जिसका पेज नंबर है 183। नई बुक का पेज नंबर क्या है? 183। पुरानी बुक्स में पेज नंबर थोड़ा अलग हो सकता है, पेज नंबर जिनका प्रॉब्लम है वो ये ध्यान रखें। क्या निकाल चल रहा है यहां पर? 11.3 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। स्टार्ट करें, निकाल लिया, ओके चलो। क्या कह रहा है? एट सम अर्लियर स्टेज यू माइट हैव कैरिड, पिछले किसी स्टेज में, एट सम अर्लियर स्टेज यू माइट हैव कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट, तुमने शायद एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, वेयर, जहां पर यू हैड प्लेस्ड अ ट्विग, ट्विग मतलब टहनी, लिख लो हिंदी में, वेयर यू हैड प्लेस्ड अ ट्विग बेयरिंग व्हाइट फ्लावर, एक टहनी जिसके ऊपर एक सफेद फूल लगा होगा, ठीक है, इन अ कलर्ड वाटर, एक कलर्ड वाटर, चाहो तो घर पे कर सकते हो, एक फूल अरेंज करना पड़ेगा, सफेद लगा हो, काट लो, उसको एक ग्लास में से डाल दो, ग्लास में कोई कलर वगैरह भर दो, है ना, तुम्हारे पास घर में नील होगा, पानी में नील डाल दो, ऐसे टहनी को उसमें डाल दो, इतनी बात बता रहा है, घर पे भी कर सकते हो, यहां तक बात समझ में आई? कलर्ड वाटर, एंड हैड वॉच्ड इट टर्न कलर, और देखा होगा कि उसका कलर बदल गया, किसका? फूल का, उसी कलर का हो गया जो पानी का कलर था, याद आया एक्सपेरिमेंट जिन लोगों ने किया होता है ना, इसलिए लिखा हो यू माइट हैव, क्योंकि हर जगह नहीं होता है, तुम लोग इसमें देख सकते हो, ठीक है ना, YouTube वगैरह पे काफी सारे ये वीडियोस पड़े हुए हैं, खुद घर पे परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सफेद फूल अरेंज करना होगा। होता क्या है, सफेद फूल, फूल थोड़ा हमारा गंदा बन गया, कोई बात नहीं, उसको तुम लोग एक बीकर में डालोगे, यहाँ पे मान लो नील है, तो ये पूरा पूरा फ्लावर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाता है। क्लियर? ओके। ऑन एग्जामिनिंग द कट एंड ऑफ द ट्विग आफ्टर अ फ्यू आवर्स, क्या एग्जामिन करना है, क्या देखना है, द कट एंड, जहां पे कट लगा हुआ उस एंड को देखोगे, ऑफ द ट्विग आफ्टर अ फ्यू आवर, कुछ घंटे बाद, यू हैड नोटेड, तुमने नोट किया था क्या, द रीजन थ्रू विच द कलर्ड वाटर मूव्ड, क्या नोटेड, द रीजन थ्रू विच द कलर्ड वाटर मूव, कि इस रीजन से क्या है, कलर्ड वाटर ने मूव किया है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, ओके। That experiment very easily demonstrated that उस भाई जो कट लगा था ना, तो यहां पर कलर दिख रहा होगा, जहां जिन छेदों से कलर घुसा है वो छेद साफ साफ नजर आ रहे होंगे। तो कह रहा है that experiment, इस एक्सपेरिमेंट ने very easily demonstrated, बहुत easily demonstrated कर दिया, demonstrated मतलब दिखाया, that the path of water movement, जो रास्ता है पानी के movement का, is through the vascular bundles, वास्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम, और पानी के, पानी को कैरी कौन करता है, जाइलम कैरी करेगा, फ्लोएम फूड को कैरी करता है, याद आ रही बातें, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये दिखाया जा रहा है कि पानी वास्कुलर बंडल्स के थ्रू क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मोर स्पेसिफिकली द जाइलम, इस वास्कुलर बंडल में भी किससे, जाइलम से मूव कर रहा है। नाउ वी हैव टू गो फर्दर, अब हमको आगे जाना है एंड ट्राई, कोशिश करनी है एंड अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, अब हमें आगे जाना है और कोशिश करनी है, क्या समझना है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट, कि आखिरकार इस मूवमेंट का मैकेनिज्म क्या है, बात समझ में आ रही हो, इस मूवमेंट का मैकेनिज्म क्या है, एंड अदर सब्सटेंसेस अपर प्लांट, किसका, पानी का,
अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस अप अ प्लांट। ठीक है, यहां से एक बात समझ में आ गई जब हमने एक्सपेरिमेंट किया कि जाइलम से पानी ऊपर जा रहा है। ठीक, अब हमें मैकेनिज्म समझना कि सब्सटेंस कुछ मिनरल्स वगैरह हैं या पानी है, ऊपर चढ़ कैसे रहा है ये। क्लियर? तो आप देखें आगे क्या कह रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन अ प्लांट, जो लंबी दूरी का ट्रांसपोर्ट होता है किसी सब्सटेंस का विद इन अ प्लांट, एक प्लांट के अंदर, प्लांट के ही अंदर, विद इन बोल दिया है, कैन नॉट बी बाय डिफ्यूजन अलोन। ये सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन से नहीं हो सकता है। ये पढ़ते ही बात दिमाग में आगे हुई कुछ बच्चों के कि सर ये जो डिफ्यूजन है ना, पानी ज्यादा था ऊपर पानी कम होगा, खिंच गया होगा। बट सुनते जाओ क्या कह रहा है कि इतनी लंबी दूरी में केवल डिफ्यूजन ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन क्षमता कुछ दूरी के लिए तो होती है, बहुत पास पास के लिए, ये भी पढ़ा था हम लोगों ने, बहुत लंबी दूरी के लिए डिफ्यूजन काम नहीं करता है डिफ्यूजन। और पहली बात क्या है, एक बहुत धीमा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। इट कैन अकाउंट फॉर ओनली, अकाउंट मतलब जिम्मेदारी लेना, ये अकाउंट जिम्मेदारी ले सकता है फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंसेज, बहुत छोटी दूरी के चलने की तो जिम्मेदारी ले सकता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, शॉर्ट दूरी तक तो मॉलिक्यूल के चलने की जिम्मेदारी ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट कह रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस टिपिकली अ टिपिकल प्लांट सेल अबाउट 50 माइक्रोमीटर। ठीक है ना, वो कह रहा है कि जो प्लांट का सेल होता है लगभग 50 माइक्रोमीटर का, टेक अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेकेंड, इतना चलने में उसे 2.5 सेकेंड लग जाते हैं। एट दिस रेट कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स इट वुड टेक फॉर द मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर विद इन अ प्लांट बाय डिफ्यूजन अलोन। अब देखो 50 माइक्रोमीटर कहां जाना है, 1 मीटर, कैलकुलेट कर लो, 50 माइक्रोमीटर दैट्स इक्वल टू 50 × 10⁻⁶ मीटर। ठीक है ना, कितना मीटर होगा, अभी तो 1 मीटर हुआ भी नहीं है, तो 50 × 10⁻⁶ मीटर चलने में कितना लेता है, 2.5 सेकेंड। तो 1 मीटर चलने में कितना लेगा, 2.5 × 1/50 × 10⁻⁶, कितनी वैल्यू आ रही है, देख पा रहे हो, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ये लगभग वैल्यू आ जाएगी 2.5 × 10⁻⁶/50, है ना। अब एक पॉइंट को हटा दें, जीरो आ जाएगा, तो 25 × 2 = 20 आ गया, ओके। और यहाँ से दो जीरो ले लें अगर, और यहाँ क्या बचा, 10⁻⁴/20, कितना बचा, 5, लगभग 50,000 सेकेंड, कितना हो गया ये, 50,000 सेकेंड। अब बदल लो इसको, 1 मीटर के लिए 2.5 सेकेंड, तो इसके लिए 50,000 सेकेंड। अब सेकेंड को बदल लो, डिवाइड कर लो 50,000 को, किसे डिवाइड करोगे, सेकेंड को मिनट में बदल दो, आवर में, तो सेकेंड है ना, पहले मिनट में बदलेंगे 60, आवर में बदल लो 60, तो आवर आ जाएंगे, फिर इसको कैसे बदल लो, दिन में डिवाइड बाय 24, और फिर ईयर में बदल लेंगे इनटू 365, कैलकुलेट कर लेना इसको, आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं ना हम लोग कि कितना मतलब बड़ी वैल्यू है ये, तो 2.5 सेकंड चलने में इतना टाइम, इतने डिस्टेंस 2.5 सेकंड में चलता है, तो 1 मीटर कवर करने में लगभग इतना साल, हमने साल में क्यों लिया, क्योंकि वो पूछ रहा है साल में अलोन, ठीक है ना, हाउ मेनी ईयर। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ईयर्स निकाल सकते हैं। देखो इसका एक मोटा मोटा मैं आइडिया बता दूं कितना आ जाएगा आंसर, ये कितने साल आ जाएगा, ये आ रहा है आंसर आप लोगों का 50,000 × 365 / 24 / 60 / 60, लगभग 0.001, दैट्स इक्वल टू 0.0015 ईयर्स, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ईयर में पूछा गया है, किसे पूछा गया, ईयर में, और अगर ईयर हटा दें तो ये दिन में निकल आएगा, कितने दिन में, दिन भी हटा दें तो कितने घंटे में, बात पकड़ में आई ना, ये मैथमेटिकल ट्रिक है ये, थोड़ा मतलब मैथमेटिकल करने का तरीका है ये, बात समझ में आई, क्लियर है, ओके। अब आगे आते हैं, इसको कैलकुलेट करते रहना, एक आइडिया लगेगा कि हाँ इतना ज्यादा टाइम। बट आओ देखते हैं, इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जो बड़े और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ऑफन अक्सर सब्सटेंसेस हैव टू बी मूव्ड
टू अ लॉन्ग डिस्टेंस। जो बड़े और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है अक्सर सब्सटेंस को उनके अंदर मूव करना होता है लंबी लंबी दूरी। क्लियर है? सम टाइम कई बार द साइट्स ऑफ प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन एंड द साइट ऑफ स्टोरेज आर टू फार फ्रॉम ईच अदर। कई बार ऐसा होता है वो जगह साइट मतलब जगह प्रोडक्शन की या एब्जॉर्प्शन की, प्लांट कैसे रूट मान ले वहां पे एब्जॉर्ब हो रहा है, और साइट ऑफ स्टोरेज जहां पे पहुंचना है उसे मान लो आखिरी पत्ता सबसे ऊंचा वाला, टू फार बहुत दूर है एक दूसरे से फ्रॉम ईच अदर, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वुड नॉट सफिस। सफिस मतलब सफिशियंट, डिफ्यूजन खाली या एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर्याप्त नहीं है, सफिस नहीं है कि इतनी दूरी तक पानी को ढकेल दे। क्लियर है? स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिकम नेसेसरी स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक खास तौर से बना हुआ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिकम नेसेसरी जरूरी हो जाता है सो एज टू मूव सब्सटेंसेस अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस, ताकि मूव कर सके सब्सटेंस को अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस के अक्रॉस सब्सटेंस को मूव कर सके एंड एट अ मच फास्टर रेट, और कई ज्यादा तेज गति से। वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय, अब यहां से एक नई लाइन बोल रहा है, वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड, वाटर एंड मिनरल्स पानी और मिनरल्स एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय मास और बल्क फ्लो सिस्टम। कह रहा पानी एंड मिनरल्स एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय मास मतलब एक साथ बहुत सारा, और बल्क फ्लो सिस्टम है ना बल्क में, यानी कि एक बूंद एक एक मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल बल्क में चल रहा है ये। मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क, मास फ्लो का मतलब क्या हो गया, बल्क मतलब बताइए बहुत सारा है ना, मास फ्लो क्या है बल्क में और इन मास से फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बल्क में चलेगा एक साथ एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है ना, एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस। ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस होता है बिटवीन द टू पॉइंट। अब यहां पर उसने एक नई बात खोल दी, ये टॉपिक इधर खत्म किया, यहां पे बता दिया उसने क्या डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट सफिशिएंट नहीं है, एक हमें सिस्टम चाहिए पहली चीज बता दी उसने। फिर बता रहा है जब ये चलते हैं तो मास में एक साथ चलते हैं, ये बल्क का बल्क चलेगा, और ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस होता है। यहां पर एक अलग बात खोल दी इसने, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास फ्लो डेट सब्सटेंस वेदर इन सोल्यूशन, यह खासियत है किसकी, मास फ्लो की, डेट की, सब्सटेंसेस वेदर इन सोल्यूशन चाहे वो सोल्यूशन में हो और इन सस्पेंशन, सोल्यूशन मतलब घुल चुका होगा और सस्पेंशन मतलब उसमें तैर रहा होगा, आर स्वेप्ट अलोंग एट द सेम पेस। ये स्वेप्ट अलोंग, स्वेप्ट मतलब स्वीप होता है ना झाड़ू पोछना, वैसे स्वेप्ट अलोंग मतलब खींचे जाते हैं या आगे बढ़ते हैं एट द सेम पेस, पेस मतलब गति, लिख लो हिंदी पेस मतलब गति, एनसीईआरटी लेके बैठे हो ना पक्के से, ठीक है ना, जहां वीडियो लगे कि हाँ द्वारा देखना पॉज बैक कर लेना और फिर आगे बढ़ना, ओके। तो कह रहा है चाहे क्या हो सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, वो पूछेगा कि जो केमिकल्स पानी में डिजोल्व हो जाते हैं घुल जाते हैं और जो केमिकल पानी में सस्पेंशन बनाते हैं, इन दोनों में से प्लांट में तेज गति से कौन ऊपर चढ़ेगा, तो क्या साफ साफ लिखा हुआ सेम पेस, एक ही गति से ये ऊपर चलेंगे। स्वेप्ट मतलब समझ में आ गया, स्वीप वर्ड से स्वेप्ट बना दिया, ठीक है ना, सेम पेस एज इन फ्लोइंग रिवर, जैसे कि एक रिवर में फ्लो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक रिवर में फ्लो कर रहे हो, ओके। दिस इज अनलाइक डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन की तरह नहीं है, वेयर डिफरेंट सब्सटेंसेस मूव इंडिपेंडेंटली। डिफ्यूजन में क्या होता है, हल्का वाला तेज चलेगा, भारी वाला धीमा चलेगा, ठीक है ना, दिस इज अनलाइक नॉट लाइक डिफ्यूजन वेयर डिफरेंट सब्सटेंसेस मूव इंडिपेंडेंटली। यहां क्वेश्चन क्रिएट हो गया तुम्हारे पास, क्या डिफ्यूजन में सारे सब्सटेंस, जब डिफ्यूजन हो रहा है मान लो तीन चार तरह के सब्सटेंस है, क्या उन सब में क्या कहते हैं वो सारे एक ही गति से आगे बढ़ते हैं, तो आंसर है नो। बट क्या मास फ्लो या बल्क फ्लो में सारे सब्सटेंस एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो आंसर है यस, ठीक है ना, ओके। ऑन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहां पे बोल रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से, यानी कि जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है वो ज्यादा तेज जाएगा, मास का भी फर्क पड़ेगा, ठीक है, और जिसका कंसंट्रेशन कम है वो कम गति से जाएगा। मास का फर्क तुम लोग देखोगे केमिस्ट्री में, बायो अपना कह रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ध्यान रखना डिफ्यूजन में क्या होता है, जिसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है वो तेज गति से आगे बढ़ता है डिफ्यूजन में, जिसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम है वो
धीमी गति से आगे बढ़ेगा, बट यहां पर ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है? यहां पर कौन रोल प्ले कर रहा है? प्रेशर डिफरेंसेस। ओके, बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड आइदर थ्रू अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है ना, और अ नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट। अब देखो ये आ गया अपना पॉइंट, कह रहा जो बल्क फ्लो है ना, हमें प्रेशर डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट है। अब वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता, कैसे इसको समझते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? यहां पे ग्रेडियंट कहता है गार्डन हॉस, ट्यूबवेल वगैरह देखा है, पानी पंप धक्का मारता है, पीछे का पानी निकल के आगे आ रहा होता है, जो पानी आगे यहां पर आ गया है उसको धक्का मारने वाला कोई है नहीं, कौन मारेगा? जो पानी पीछे से आ रहा है, तो पीछे से प्रेशर आ रहा है वो आगे वाले को धक्का मार रहा है, ये हो गया पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब नेगेटिव क्या होता है? संक्शन। संक्शन में क्या होता है, तुम लोग स्ट्रॉ से पानी खींचते हो ना, तो क्यों खींचा चला आता है? क्योंकि हुआ क्या, तुम्हारे पास स्ट्रॉ में क्या खेल होता है, ये पाइप यहां पे तुमने क्या डाल रखा है, स्ट्रॉ डाल रखा है, तुमने जैसे यहां पे खींचा ऊपर, तो इसके अंदर की जो एयर थी ना वो आ गई बाहर, और यहां एयर है, यहां लग गई हमारी क्या फिजिक्स, यहां पे कितना है 180 प्रेशर, इसने यहां दबाया, यहां एयर खत्म हो गई, ये दबाया है, पानी ऊपर चढ़ गया ये, तो यानी कि यहां पे प्रेशर कम हो गया। संक्शन, संक्शन मतलब प्रेशर कम हो जाना, संक्शन। क्लियर हो रही बातें? तो जैसे हमने खींचा तो इस पाइप के ऊपर का एयर खिंच गई सारी, यहां वैक्यूम सा क्रिएट हुआ, तो यहां वाले प्रेशर ने प्रेशर लगाया और ये पानी ऊपर चढ़ गया, तो यहां प्रेशर कम होने की वजह से चढ़ गया ऊपर ये, ठीक है, तो ये क्रिएट हुआ संक्शन, इसको कहा गया है नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और जो धक्का मार के आगे पहुंचाया जा रहा है इसमें, वो क्या हो गया हमारा पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। समझना बात को, कुछ बच्चे कह रहे हो यहां पर धक्का लगा, नहीं भाई, यहां पर तुमने ऊपर का कम कर दिया तब धक्का लगा, यानी कि प्रेशर डिक्रीज किया, वहां पर क्या तुमने यहां पे प्रेशर डिक्रीज किया, यहां तो प्रेशर उतना ही ना, नीचे से तुम लेते आ रहे हो ज्यादा, तब धक्का लगता जा रहा है, दैट इज योर पॉजिटिव। तो गार्डन हॉर्स कुछ और नहीं है, ट्यूबवेल वाली कहानी है, और ये संक्शन थ्रू अ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ वाली वही कहानी जो मैं यहां पर बता रहा हूं। तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्लियर हो गया? चले आगे, गुड। कह रहा है द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यू ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब इसने एक परिभाषा दे दी, डेफिनेशन दे दी है कि जो बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होता है थ्रू द कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यूज, ठीक है ना, ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन एक लोकेशन से दूसरी जगह जाना, जो बल्क फ्लो होता है उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्लियर है? एक परिभाषा है जो तुम्हें यहां याद रखनी है कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। सिंपल है, ट्रांसलोकेशन एक जगह से दूसरी जगह क्या है, बल्क मूवमेंट होना ट्रांसलोकेशन कहलाता है। कह रहा है डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, स्टडिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट्स, जो रूट को हमने काट के आधा आधा देखा था, मतलब ऐसी रूट थी, काट करके उसको स्टडी किया था, स्टेम एंड लीफ एनाटॉमी चैप्टर नंबर 6, याद है कि भूल गए, ठीक है, ऑफ हायर प्लांट्स एंड स्टडिंग द वस्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। अब वो तुमसे क्वेश्चन कर रहा है, क्या तुम्हें याद है, डू यू रिमेंबर, ठीक है, द हायर प्लांट्स हैव हाईली स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम। अब एक बात बता रहा है, तुम्हें याद है, अच्छी बात है, उनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू पाए गए थे, जाइलम एंड फ्लोएम, चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़े हैं ये चीज, क्लियर है। जाइलम इज एसोसिएटेड विद ट्रांसलोकेशन ऑफ मेनली वाटर मिनरल साल्ट सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। नाउ दिस इज द योर क्वेश्चन, जाइलम क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है, पानी के साथ साथ मिनरल साल्ट सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हार्मोन्स फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये सब चीजें क्या कर सकता है, वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है, क्लियर है। अब द फ्लोएम की बात कर लें, ट्रांसलोकेट अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट। अब जाइलम में इनऑर्गेनिक जैसी कोई चीज नहीं थी, ठीक है, मेनली फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, अगेन एक क्वेश्चन आ गया, जाइलम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा और फ्लोएम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, क्लियर है बातें। तो यहां पर ये बात हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाती है, क्लियर। तो ये कुछ जनरल बातें हुई हमारी, अब देखते हैं क्या कह रहा है हेडिंग वो, हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, प्लांट पानी को कैसे एब्जॉर्ब करता है, भाई जड़ डाल दी पानी में, पानी को खींचेगा कैसे, वो सारी कहानी होने वाली है अभी, ठीक है ना, माइंड मेकअप करो, इमेजिन कर लो जड़ पानी में जा रही है और पानी को अब खींचने वाला है, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। एनसीईआरटी क्या कह रही है, एनसीईआरटी से ना बेस्ट कोई किताब नहीं है, देखो अगर लाइन बाय लाइन तुम्हें समझ में आ जाए, वो एक काम
सबसे पहले सीढ़ी है लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप उसको समझ लेना, फिर दूसरा उसको बार बार पढ़ के लर्न करके याद रखना अगर नीट में अच्छे नंबर चाहते हो। क्लियर? नीट में चाहते हो एक भी क्वेश्चन गलत ना हो तो बार बार रिवाइज करना है। ओके, क्या कह रहा है? वी नो डैट, हम जानते हैं द रूट्स एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर, रूट्स एब्जॉर्ब करता है ज्यादातर पानी डेट गोज इन टू प्लांट, जो कि प्लांट में जाता है, ठीक है ना। Obviously, that is why we apply water to soil. Obviously, जाहिर सी बात है, इसीलिए हम लोग पानी को डालते हैं soil में plant की जड़ों पर, है ना। That is why, that इसीलिए हम लोग क्यों पानी में डालते हैं, obviously बात है, इसीलिए क्यों, root absorb करेगा। And not on the leaves, पत्तों पर पानी नहीं छिड़कते ना, जड़ों पर डालते, क्योंकि root पानी को absorb करेगा, ये बात बता रहा है। The responsibility of absorption of water, पानी को एब्जॉर्ब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मिनरल इज मोर स्पेसिफिकली द फंक्शन ऑफ द रूट हेयर्स, ये मार्क कर लेना। पानी को और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का जो काम है वो खास करके रूट हेयर का होता है, डेट आर प्रेजेंट इन मिलियंस। क्यों? ये रूट, तो ये सेकेंडरी रूट, फिर इसमें क्या निकली, रूट हेयर्स निकली रहती है, याद है। रूट हेयर क्या करता है, सर्फेस एरिया बढ़ा देता है। रूट हेयर्स क्या करेंगे, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे, सरफेस एरिया समझते हो ना। अच्छा देखते हैं, जैसे मान लो अभी ये है, इतना पार्ट है, अभी कितना पानी अब्सॉर्ब कर लेगा, जितना इतना सरफेस एरिया है। अब इसमें से बहुत सारे मैं रूट हेयर्स निकाल दूं इस तरीके से, तो देखो इसका कितना ज़्यादा सरफेस एरिया निकल गया, है ना। सरफेस एरिया यानी कि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सरफेस मिल गया। अब मान लो मैं ऐसे ऐसे करके मेरा हाथ है, अब तुम कहो पानी में डालूं मैं, तो जो ये वाला सरफेस है जो चिपका हुआ है, ये वाला सरफेस तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ना, केवल यहाँ होगा, यहाँ होगा। अब जैसे मैं ऐसे कर दूंगा तो यहाँ 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 सब जगह एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। सरफेस एरिया बड़ा, ऐसे ज़्यादा कि ऐसे ज़्यादा, ऐसे ज़्यादा, है ना। मान लो ये रूट हेयर्स हैं, रूट है, ऐसे यहाँ यहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ यहाँ से हो जाएगा। इसको खोल दूँ तो अभी अंदर की साइड से भी एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो क्यों कह रहा हूँ मैं कि रूट हेयर इसका सरफेस एरिया कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो सके। क्लियर? प्रेजेंट इन मिलियंस एट टिप्स ऑफ द रूट, तो पानी को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, रूट में भी, रूट हेयर। रूट हेयर्स आर थिन वॉल्ड, अब ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा है, स्लेंडर टेढ़े टेढ़े से हो सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मल सेल्स डेट greatly increase the surface area for absorption. Line को याद करोगे। Root hairs क्या है, बिल्कुल line ऐसे लिख के आ जाएगी, which of following is not true for roots. इसमें कुछ बातें अलग अलग कर देगा और एक line ये दे रखी होगी। Thin walled होते हैं, इनकी cell wall होती है बहुत पतली होती है, slender होंगे, slender extension मतलब यहाँ से निकले हुए होते हैं ना, extension, कोई चीज़ कहीं से बाहर निकली हुई होती है उसको extension कहा जाता है। Of root epidermal cells, root की मान लो ये रूट है, ठीक है, और ये इसके ऊपर की एपिडर्मल सेल्स, इसका एक्सटेंशन रहता है ये इस टाइप से। बात समझ में आ गई? दिस इज द एपिडर्मल सेल, दिस इज द एपिडर्मल सेल। तो रूट की जो एपिडर्मल सबसे ऊपर की लेयर सेल्स होती है उनका एक्सटेंशन है ये। क्लियर होगी बातें? बात समझ में आ रही है? ओके, डेट ग्रेटली इंक्रीज द सर्फेस एरिया, क्या इंक्रीज कर रहे हैं, सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ओके, वाटर इज एब्जॉर्ब अलॉन्ग विद मिनरल सॉल्यूट, पानी एब्जॉर्ब किया जाता है किसके साथ साथ, मिनरल सॉल्यूट, जो मिनरल्स होते हैं वो भी साथ साथ में क्या हो रहे, एब्जॉर्ब हो रहे हैं बाय द रूट हेयर प्योरली बाय डिफ्यूजन। ये काम सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है, कोई और चीज रोल प्ले नहीं कर रही है। Once water, अब क्या कह रहा है, Once water is absorbed, जब एक बारी पानी absorb हो गया by diffusion, the root hairs, it can move deeper into the root layer by two distinct pathway. एक बारी diffusion हुआ, पानी यहां पर ज्यादा था, हुआ क्या, देखो यहां पानी बहुत सारा है, minerals है, ये पानी क्या हो गया, absorb हो गया, ये पानी क्या हो गया, absorb हो गया। एक बारी पानी जब absorb हो गया, अब वो अंदर सेल के अंदर ना दो तरीके से मूव करेगा, सेल के अंदर दो तरीके से मूव करेगा, एक होता है एपोप्लास्टिक पाथवे और एक होता है सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्या है एपोप्लास्टिक और क्या है सिम्प्लास्टिक।
तो देखो यहां पर तुम लोग एक चीज बता दूं, मैं सेल चैप्टर पढ़ चुके हो अच्छे से। ओके, प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं, प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये देखो, ये क्या है, दिस इज द सेल वॉल, ये क्या है, सेल वॉल। हमें पता ना सेल वॉल हर चीज के लिए परमिएबल होती है, तो पानी एब्जॉर्ब हुआ यहां पर, ठीक है, और वो सेल वॉल से सेल वॉल चल रहा है, कहां से कहां चल रहा है, सेल वॉल से सेल वॉल, सेल वॉल से सेल वॉल, सेल वॉल से सेल वॉल चल रहा है, ठीक है। और कुछ पानी एब्जॉर्ब होकर कहां आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया, कहां आ गया, साइटोप्लाज्म में। दिस इज द, इसको लिखा हुआ एपिडर्मिस, सबसे ऊपर का जो एपिडर्मल सेल है उसकी बात हो रही है। ये इमेजिन हुआ सेल, एपिडर्मा इमेजिन करो, एक ऐसे रूट होगा उसमें एक सेल होगा, उसमें सेल वॉल पाई जाएगी, ठीक है ना। तो जो मेरा पानी है वो सेल वॉल में एब्जॉर्ब होगा, सेल वॉल से सेल वॉल चलता चलेगा, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, वो कहां आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया, कहां आ गया, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा होता है, पता है ना। अब साइटोप्लाज्म से दो सेल किसके थ्रू जुड़े होते हैं, प्लास्मोडेस्माटा। दो सेल आपस में किसके थ्रू जुड़े होते हैं, प्लास्मोडेस्माटा। फिर पानी यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, ये चलता चला जाएगा आगे। अब यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुमको एनाटॉमी ऑफ प्लांट याद है, प्लांट की एनाटॉमी जो पढ़ी थी उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या पढ़ी थी, कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि एंडोडर्मल सेल होते हैं उनकी सेल वॉल। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ऐसे सेल है ना, तो सेल वॉल से सेल वॉल, मान लो अगला सेल होगा उसकी सेल वॉल, उस अगला सेल वॉल, तो सेल वॉल को क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। सेल वॉल सारी क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से एक रिंग टाइप रहती है कैस्पेरियन स्ट्रिप की। ये पानी जब आगे आ रहा होता है तो कैस्पेरियन स्ट्रिप पानी को अलाउ नहीं करती अंदर जाना, ठीक है ना। वो ये प्रोटेक्शन लेयर होती है कि पानी बरसात वगैरह होती है तो पानी सेल के, मतलब प्लांट के अंदर ना चला जाए। तो ये जो पाथ होता है इसको भी मुड़ना पड़ता है, कहां, अगेन प्रोटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर टोटल नेट मूवमेंट ऑफ वाटर रहता है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू होता हुआ एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल से फाइनली जाइलम के पास पहुंचता है। अब जो ये दो रास्ते हैं ना, इनको क्या कहा गया है, एक को कहा गया है एपोप्लास्ट, जो ये रहा, और एक को कहा सिम्प्लास्ट, जो साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म होता हुआ जा रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट। जो सेल वॉल से सेल वॉल होता हुआ जा रहा है, जो सेल वॉल से सेल वॉल होता हुआ जा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट कहते हैं। बात समझ में आई, क्लियर है। अब यही बात यहां लिखी हुई है, आप देख लेते हैं क्या कह रहा है, द एपोप्लास्ट, है ना। एपोप्लास्ट वाला कौन सा है, ये वाला सेल वॉल वाला, एपोप्लास्ट मतलब सेल वॉल, एपोप्लास्ट मतलब सेल वॉल। इज द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट वॉल्स, सिस्टम ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बाजू वाली सेल वॉल, डेट इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट। कंटिन्यूअस है, जुड़ी हुई आपस में, सेल वॉल से सेल वॉल, सेल वॉल से सेल वॉल, ठीक है, बस कैस्पेरियन स्ट्रिप को छोड़ करके, ठीक, एक्सेप्ट एट द कैस्पेरियन स्ट्रिप, एक्सेप्ट एट कहां पे, कैस्पेरियन स्ट्रिप को छोड़ करके, ऑफ द एंडोडर्मिस, जो कि एंडोडर्मिस में पाई जाती है। दो क्वेश्चन यहां कवर अप हो रहे हैं, हम लोग यहां पे क्वेश्चन क्या आएगा कि बताओ, पहली चीज एंडोडर्मिस, सॉरी कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां पाई जाती है, एंडोडर्मिस में। दूसरा, कहां पर एपोप्लास्टिक मूवमेंट सिम्प्लास्ट में बदल जाता है, एपोप्लास्टिक कहां हो गया, सिम्प्लास्ट में बदल गया, कहां पे हो रहा है ये, एंडोडर्मिस में हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कैस्पेरियन स्ट्रिप ऑफ एंडोडर्मिस इन द रूट्स, द एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर ऑकर एक्सक्लूसिवली थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड द वॉल्स ऑफ द सेल। जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट है, सेल वॉल का मूवमेंट है ऑफ वाटर, ऑकर एक्सक्लूसिवली कहां होता है, थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस। अब मान लो और भी सेल होंगे यहां पे, लेट थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे और सेल होंगे। अब ये जो जगह है ना, ये दो सेल के बीच की जो जगह होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। तो पानी यहां से होता हुआ और सेल वॉल से होता हुआ जो जाता है, यानी कि एपोप्लास्ट के अंदर दो बातें आ जाती हैं, सेल वॉल प्लस इंटर सेलुलर स्पेस। अब बच्चा यही थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, द एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर ऑकर एक्सक्लूसिवली थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड द वॉल्स ऑफ द सेल। दो ऑप्शन आते हैं, बच्चा इंटरसेलुलर स्पेस भूल जाता है, सेल वॉल याद रखता है, यहां हो जाती है ब्लंडर मिस्टेक और क्वेश्चन हो जाता है गलत, ठीक है ना। यानी कि एपोप्लास्ट के अंदर दो कंडीशन मौजूद रहेंगी, इंटरसेलुलर स्पेस और सेल वॉल। मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। यानी कि वो क्या कह रहा है,
एपोप्लास्टिक मूवमेंट में सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पानी यहां पर नहीं आएगा एक्सेप्ट एट एंडोडर्मिस। सिर्फ एंडोडर्मिस के टाइम पे तो ऐसा हो जाएगा कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, प्रेशर होगा तो अंदर आ जाएगा। बाद बाकी किसी जगह पर भी जो सेल वॉल वाला पानी है यानी कि एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नीचे की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, तो कह रहा है मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व, इसके अंदर नहीं होता है क्या क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने जैसा कोई खेल नहीं होगा यहां पर। दिस मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट पर डिपेंड है। देखो अगेन एक क्वेश्चन, द एपोप्लास्टिक मूवमेंट इज डिपेंड ऑन ग्रेडियंट, है ना। अब आगे बोल देगा कुछ और नाम दे देगा, ग्रेडियंट के यहां पर क्या रहेगा यहां पर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है डिफरेंस है यहां पर, क्या है प्रेशर का डिफरेंस कह लो या डिफ्यूजन है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रहा है तो ग्रेडियंट का प्रॉब्लम है यहां पर, यानी कि एक चीज लो है और एक चीज ज्यादा है, बाहर पानी ज्यादा है अंदर पानी कम है तो ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। द एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट एंड वाटर मूवमेंट इज थ्रू मास फ्लो। क्या रहा है एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर, एपोप्लास्ट किसी भी टाइप का बैरियर प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, टू वाटर मूवमेंट एंड वाटर मूवमेंट इज थ्रू मास फ्लो। एपोप्लास्ट का मतलब यहां पर क्या हो गया, सेल वॉल के अंदर जब पानी चल रहा है तो किसी भी टाइप का बैरियर नहीं है, बड़ा इजीली फ्लो करता हुआ आगे बढ़ रहा है। लाइन समझते हैं ना, मैं बताऊंगा अभी यहां पर क्यों बोल रहा है ये, डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर एज वाटर एवोपरेट इन टू द इंटरसेलुलर स्पेस। कह रहा है जैसे वाटर एवोपरेट करेगा इन टू द इंटरसेलुलर स्पेस और द एटमोस्फियर, टेंशन डेवलप इन कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वाटर इन द एपोप्लास्ट, हेंस मास फ्लो ऑफ वाटर ऑकर ड्यू टू द एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब यह सिंपल सी बात बता रहा है, अब ये पकड़ो जरा ये लाइन, कह रहा है वाटर एवोपरेट इन टू द इंटरसेलुलर स्पेस, कुछ बातें घटनाएं घट सकती हैं, पानी इंटरसेलुलर स्पेस में क्या हो जाएगा, यहां से यहां मूव करेगा, यहां से नहीं यहां से यहां मूव कर जाएगा, पहली घटना घटी, ठीक है ओके। फिर कह रहा है और द एटमोस्फियर, ऐसा भी हो सकता है पानी जब आगे बढ़ रहा था तो पानी निकल करके कहां चला जाए, एटमोस्फियर में। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि ये जो क्या कहते हैं पार्ट है मेरे पास, ये तो रूट हेयर से जमीन के अंदर होती हैं, नो डाउट ऊपर होती हैं, बाहर निकल जाता है पानी जो होता है, मान लो पानी ऊपर जा रहा है, नीचे पानी वाटर लेवल ज़्यादा था, जड़ें ऊपर से पानी खींच के लेके आ रही हैं, मिट्टी ऊपर गर्म हो सकती है, पानी उड़ जाए एटमोसफेयर में, बात समझ में आ रही है। एटमोसफेयर का मतलब ये नहीं कि एकदम बिल्कुल बाहर, ठीक है ना। तो दो चीज़ें हो गई, या तो पानी ऑपरेट होगा इंटरसेलुलर स्पेस में या एटमोसफेयर में, टेंशन डेवलप इन कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वाटर, टेंशन क्रिएट हो जाएगी, टेंशन मतलब एक तरह का फोर्स क्रिएट होगा, क्यों समझते हैं। अब जैसे ही पानी यहाँ कम होगा तो यहाँ पानी का प्रेशर कम हो गया, पीछे पानी का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो पानी ढकेला जाएगा आगे, ठीक है। तो टेंशन डेवलप इन कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वाटर, एक टेंशन डेवलप हो रही है जो कंटिन्यूस स्ट्रीम, एक कंटिन्यूस धारा थी, एक कंटिन्यूस धारा बह रही थी, उसमें थोड़ा पानी निकल गया तो यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट होगी। टेंशन का मतलब वही चीज़ होगी, पानी कम होगा तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, पीछे प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस धारा जो बह रही थी उसमें से पानी निकल गया तो एक टेंशन क्रिएट हो गया एपोप्लास्ट में, हेंस मास फ्लो ऑफ वाटर ऑकर ड्यू टू, इसीलिए जो मास फ्लो होता है ऑकर ड्यू टू एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें समझनी है कि क्या बोल दिया इसने, एडहेसिव एंड कोहेसिव। एडहेसिव मतलब जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल चिपकता है, और कोहेसिव मतलब तो सेम दो मॉलिक्यूल आपस में चिपकते हैं, जैसे कि पानी को उठाओ तो पानी का मॉलिक्यूल पानी से चिपका रहता है, दैट इज कोहेसिव, और पानी तुम्हारे हाथ से चिपक जाए तो एडहेसिव। तो अब जो पानी यहाँ पर है वो इससे क्या है, चिपका हुआ है, ठीक है ना, चिपका भी हुआ है, पीछे प्रेशर लग रहा है, ये से चिपका हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो पानी आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे चिपक चिपक के, ठीक है ना, जो आगे बढ़ रहा है, तो ये वाली प्रॉपर्टी आती है मेरे पास, कौन सी, एडहेसिव एंड कोहेसिव, यानी कि पानी जो आगे मूव कर रहा है, एक तो डिफ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन होने के बाद कैपिलरी एक्शन, सुना है यहाँ पर एक चीज इन्होंने जो मिस कर दी है, डेट इज योर कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन, ठीक है ना। कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, किसी पतली सी चीज को, जैसे तुम जो स्ट्रॉ होता है उसको ऐसे पानी में डाल दो, पानी कुछ अपने आप ऊपर चढ़ जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। तो सेम चीज यहां पर हो रही है, थोड़ा सा आप समझते हैं इसको क्या हुआ। मान लो मैं इस वाले हिस्से को ना एक पाइप बनाकर दिखा देता हूं, समझ में आ गया, ये एपोप्लास्टिक मूवमेंट था,
इसके अंदर मेरा पानी जा रहा था, इसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है ये। अब कुछ पानी हमने कहा जैसे वो बता रहा है वो बाहर भी जा सकता है, ठीक है, यहाँ नहीं, सराउंडिंग में या इंटरसेलुलर स्पेस में। तो यहाँ पानी क्या हो गया, कुछ कम हो गया। तो पानी जो यहाँ पे कम हो गया है तो पीछे से पानी लगातार क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है। जब यहाँ पानी कम हो गया, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो एक तो डिफ्यूजन का हल्का सा बहुत थोड़ा सा प्रेशर चल रहा है, और पानी की कैपिलरी की वजह से, इस कैपिलरिटी की वजह से ये पानी क्या कर रहा है, आगे 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 मूव करता जा रहा है। अब ये पानी पानी के मॉलिक्यूल से ही चिपका हुआ है और ये आगे भी बढ़ता जा रहा है, और यहाँ प्रेशर कम होता है तो इसको ढकेलने में क्या होता है, आसानी होती है, और ये और आगे आगे बढ़ता है। ये तो था स्ट्रॉ के अंदर पानी चढ़ा हुआ था, तुमने ऊपर पानी हवा खींच दी, वो और ऊपर आ गया। तो वो पानी ऊपर चढ़ा कैसे, वो दीवार से चिपक चिपक के चला, डेट इज एडहेसिव प्रॉपर्टी। और हो सकता है दीवार से चिपकता अपने साथी मॉलिक्यूल को छोड़ देता, तो वो अपने साथी मॉलिक्यूल यानी कि एक पानी ने दूसरे पानी को भी पकड़ा हुआ है, एक पानी ने दूसरे पानी को भी पकड़ा हुआ है, साथ साथ में दीवार को भी पकड़ा हुआ है, और ये आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। जब जब एक पानी का मॉलिक्यूल अपने ही पानी के मॉलिक्यूल को पकड़ लेता है उसे क्या कहते हैं, कोहेसिव। और जब पानी का मॉलिक्यूल इस सेल वॉल को पकड़ के आगे बढ़ता है, डेट इज योर एडहेसिव। बात समझ में आ रही है, ये लाइन थोड़ी सी हो जाती है बच्चों के लिए कंफ्यूजन, कोहेसिव एंड एडहेसिव। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोहेसिव एडहेसिव। प्रेशर, पानी निकल रहा है, प्रेशर भी कम हो रहा है, धक्का लग रहा है, साथ साथ में आगे कैसे बढ़ रही है, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस से। वही वाली बात आ गई, स्ट्रॉ वाली बात। क्लियर है, आगे आते हैं। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करना मेरे को, ठीक है ना। कोई पर्टिकुलर लाइन या अभी भी कोई दिक्कत कर रहा है तो मैं उसको थोड़ा सा क्या करूंगा, एक छोटा सा 5-10 मिनट का लेक्चर बना करके उन सब टॉपिक्स को क्लियर करवा दूंगा, अगर दिक्कत आती है तो। ओके, क्या कह रहा है, द सिम्प्लास्टिक सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। सिम्प्लास्टिक कनेक्शन जो है, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, ये प्रोटोप्लास्ट इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये सिम्प्लास्टिक है। ओके, नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। एक जो आस पड़ोस वाले सेल्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड डेट एक्सटेंड थ्रू प्लास्मोडेस्मेटा। इसको कहा गया है कि इस क्षेत्र को कहा गया है प्लास्मोडेस्मेटा, और एक जो धारा जो पतली सी है इसको कह दिया गया है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। यहाँ पे जो इतना हिस्सा जो साइटोप्लाज्म का है ना, ये वाला, इसको क्या बोल दिया गया है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्लियर, यानी कि कुछ ऐसा साइटोप्लाज्म है जो दोनों में ही कॉमन कर दिया जाएगा। डैश एक्सटेंड थ्रू, जो कि पूरे प्लास्मोडेस्मेटा में फैला रहता है। ड्यूरिंग सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, जब सिम्प्लास्टिक मूवमेंट हो रहा होता है, द वाटर ट्रेवल थ्रू द सेल। पानी मूव करता है थ्रू द सेल, सेल के थ्रू देयर साइटोप्लाज्म, ठीक है, सेल के थ्रू, थ्रू द देयर साइटोप्लाज्म। इंटरसेलुलर मूवमेंट इज थ्रू द प्लास्मोडेस्मेटा, ठीक है ना, बात को समझो क्या कह रहा है यहां पर, फिर से देखते हैं। ड्यूरिंग सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, जब सिम्प्लास्टिक मूवमेंट हो रहा है, द वाटर ट्रेवल थ्रू द सेल्स। वाटर क्या करता है, ट्रेवल करता है थ्रू द सेल्स देयर साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। इंटरसेलुलर मूवमेंट इज थ्रू द प्लास्मोडेस्मेटा, जो इंटरसेलुलर मूवमेंट है इज थ्रू द प्लास्मोडेस्मेटा, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में जब जा रहा है पानी, बात समझ में आई, साइटोप्लाज्म से पानी मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, और एक सेल से दूसरे सेल में जब पानी जाएगा तो किसके थ्रू होता हुआ जाएगा, प्लास्मोडेस्मेटा के थ्रू होता हुआ जाएगा। क्लियर है, वाटर हैज टू एंटर द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। पानी को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर एंट्री लेनी होती है ना। स्टार्टिंग में यहाँ पानी यहाँ आया, कुछ तो आगे चला जाएगा, कुछ पानी यहाँ आ जाएगा, तो ये मेरे पास अंदर में क्या बची हुई है, क्या लगी हुई है, सेल, सेल मेम्ब्रेन लगी हुई है। बात समझ में आ रही है, क्लियर। ओके, पानी को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे क्रॉस करके अंदर आना, तो हैंस मूवमेंट इज रिलेटिवली स्लोअर, इसीलिए पानी यहाँ थोड़ा सा क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। मूवमेंट इज अगेन डाउन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, मूवमेंट फिर आगे जाके फिर से क्या होता है, डाउन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, आगे कम प्रेशर है, पीछे प्रेशर ज्यादा है। क्लियर है, तो बार बार यहाँ ग्रेडियंट का जिक्र हो रहा है, ग्रेडियंट मतलब बात समझ में आ गई होगी। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट मे बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट है, एक नया पॉइंट आ गया यहाँ पर, मे बी एडेड, एडेड मतलब हेल्प की जाती है उसकी बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। मैंने क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है, एक सेल होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म ऐसे गोल 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 जगह जगह पे घूम रहा होता है, या ऐसा भी संभावना है
कि अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो पूरा ऐसे गोल घूम रहा हो, और जो साइटोप्लाज्म गोल गोल घूम रहा होता है ये सपोर्ट करता है पानी को आगे ढकेलने में, ठीक है। यू मे हैव ऑब्जर्व साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग इन अ सेल्स ऑफ द हाइड्रिला लीफ, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है तुमको, इसको देखना चाहते हो तो इसके आजकल माइक्रोस्कोपिक व्यू यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल है, इसको डालोगे 3D करके, ठीक है ना, या माइक्रोस्कोपिक व्यू डालोगे तो दिख जाएगा तुम्हें। द मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू स्ट्रीमिंग इज इजिली विजिबल, हम लोग इजिली माइक्रोस्कोप में जो क्लोरोप्लास्ट मूव करता है ना, यूट्यूब पर जाके डालना, ठीक है ना। क्या डालोगे, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन हाइड्रिला लीफ, तो माइक्रोस्कोप का व्यू तुमको दिख जाएगा, वहां पर अवेलेबल है ना यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें, गुड। तो बायो में कोशिश ये क्या करो, अगर कोई चीज क्लियर नहीं होती है खटाक से उसका इमेज देखो, ठीक है ना। और क्या कर सकते हो, बहुत सारे उसके 3D एनिमेशन वगैरह यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल है, तो उसको चेक कर सकते हो साथ के साथ, उसके एनिमेशन को देखते चलो, क्लियर है। तो यहां से कुछ बातें हो गई, यहां पर एक हाइड्रिला लीफ के जिक्र हो गया, उसके अंदर उसका जिक्र हो गया, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का जिक्र हो गया, और मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट यानी कि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट हिलता हुआ दिखता है उसका जिक्र हो गया है, क्लियर है। तो सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक मूवमेंट क्लियर हो गया, चलें आगे। अब क्या कह रहा है, अब मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट्स ऑकर वाया एपोप्लास्ट, ज्यादातर पानी जो रूट के अंदर आता है वो एपोप्लास्ट से आता है, सिंस द कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड, जो सेल्स होते हैं वो काफी ज्यादा लूजली पैक होते हैं, कौन से, कॉर्टिकल वाले, जो रूट वाले हैं, एंड हैंस ऑफर नो रेजिस्टेंस, इसीलिए लगभग ना के बराबर पानी को रेजिस्टेंस देते हैं। हाउएवर इनर बाउंड्री ऑफ कोर्टेक्स द एंडोडर्मिस, अब आती बात एंडोडर्मिस पर, इज इम्परवियस यानी कि वाटरप्रूफ होती है टू वाटर, पानी के लिए इम्परवियस है, पानी को आर पार नहीं जाने देगी, बिकॉज ऑफ ए बैंड ऑफ सुवराइज्ड मैट्रिक्स कॉल्ड द कैस्पेरियन स्ट्रिप, उसके ऊपर सुबरिन नाम का केमिकल चिपका हुआ रहता है, केमिकल से बना हुआ है, केमिकल भरा हुआ है, ठीक है, उसके मैट्रिक्स में उसके बीच में पूरा जो स्ट्रिप है उसमें क्या भरा हुआ है, सुबरिन भरी हुई है, जो पानी को आर पार जाने नहीं देती है। तो ये जो स्ट्रिप होती है इम्परवियस हो जाती है किसके लिए, पानी के लिए, बात समझ में आ गई। तो फिर से जो एंडोडर्मिस में लगी हुई थी क्या, कैस्पेरियन स्ट्रिप, इसके अंदर यहां क्या भरी हुई है, यहां भरा हुआ है सुबरिन, इसीलिए उसको और सुबरिन पानी को आर पार जाने नहीं देता, एक तरह से वैक्सी टाइप का कह सकते हैं हम लोग मेटेरियल होता है, ठीक है, क्लियर है। वाटर मॉलिक्यूल आर अनेबल टू पेनेट्रेट द लेयर, पानी के मॉलिक्यूल में क्षमता नहीं होती है कि इस कैस्पेरियन स्ट्रिप को भेद के अंदर चला जाए, सो दे आर डायरेक्टेड टू द वॉल रीजंस दैट आर नॉट सुवराइज्ड, तो ये उस तरफ मूव कर जाते हैं जहां पे सुवरिन नहीं होता है, इन टू द सेल्स प्रॉपर थ्रू द मेम्ब्रेन। तो फाइनली कर क्या रहा है, पानी यहाँ कहाँ सुवरिन है, यहाँ पे सुवरिन है, अभी फाइनली यहाँ मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं, ये क्लियर है, ओके। द वाटर देन मूव थ्रू द सिम्प्लास्ट एंड अगेन क्रॉसेस मेम्ब्रेन टू रीच द सेल्स ऑफ द जाइलम, और एक बार फिर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए एक बार फिर यहां से फिर यहां पे पेरिसाइकल, और फिर एक बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए सेल मेम्ब्रेन है ना, ये अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है, इसको क्रॉस करते हुए जाइलम के पास पहुंच रही है। तो अल्टीमेटली एक बार यहां मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, फिर मेम्ब्रेन को यहां क्रॉस किया, और फिर कहां पहुंच गया, जाइलम के पास, है ना, मजेदार चीज, मजा आ रहा है, ओके ठीक है। कहां थे हम लोग, मूव थ्रू द सिम्प्लास्ट अगेन क्रॉस जाइलम, ओके। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द रूट लेयर इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक, आखिरकार अंततः आखिर में अल्टीमेटली मूवमेंट कैसा हो गया, सिम्प्लास्टिक हो गया, यानी कि हम कहेंगे कि पानी में आखिर में जब जाइलम में पानी जाता है तो सिम्प्लास्टिक होता है, एपोप्लास्टिक होता है, तो वो सिम्प्लास्टिक होता है, कैसा होता है, सिम्प्लास्टिक, क्लियर है, इन द एंडोडर्मिस। दिस इज द ओनली वे वाटर एंड अदर सॉल्यूट्स कैन एंटर द वस्कुलर सिलेंडर, यही एक आखिरी रास्ता है सिम्प्लास्टिक वाला, जहां पर पानी और सॉल्यूट क्या कर सकते हैं, एंटर करते हैं वस्कुलर सिलेंडर में, यानी कि जाइलम में, ठीक है। अब देखो यहाँ छोटा सा एक डायग्राम भी दे रखा है इन लोगों ने, सिम्प्लास्टिक पाथ, पानी गया 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 यहाँ से होता हुआ, और फिर ये कैस्पियन स्ट्रिप दिखा रखी है, अल्टीमेटली ये जाइलम बने हुए, जाइलम तक ये पहुँच गया है, ठीक है। एपोप्लास्टिक में सेल वॉल से सेल वॉल, देखो सिम्प्लास्टिक में ना सेल के बीच में भी है, और एपोप्लास्टिक में सिर्फ सेल वॉल सेल वॉल सेल वॉल सेल वॉल सेल वॉल, और अल्टीमेटली गायब हो गया यहाँ से, क्योंकि आगे जाए ये क्रॉस ही नहीं कर पाएगा,
क्लियर है। अब आगे आते हैं, वंस इनसाइड द जालम, एक बार ही पानी जालम के अंदर गया, वाटर इज अगेन फ्री टू मूव बिटवीन द सेल्स, पानी फिर फ्री हो जाता है सेल टू सेल मूव करने के लिए, एज वेल एज थ्रू देम, या उनके थ्रू मूव करने के लिए। इन यंग रूट, जो रूट यंग है, वाटर एंटर डायरेक्टली इंटू द जाइलम वेसल्स इन यंग रूट, वाटर एंटर डायरेक्टली इंटू द जाइलम वेसल एंड और ट्रैकेट्स, वो डायरेक्टली एंटर कर जाता है जाइलम में, ठीक है ना, उसको ये सब फालतू काम करने की जरूरत नहीं है। दीज आर नॉन लिविंग कंड्यूट्स एंड सो आर पार्ट्स ऑफ द एपोप्लास्ट। बात समझ में आ गई, यानी कि वेसल्स और ट्रैकेट्स ये कैसे हैं, नॉन लिविंग। सेल वॉल भी कैसा है, नॉन लिविंग है, ये भी क्या हो गया, नॉन लिविंग है, इसीलिए ये किसके पार्ट हो गए, एपोप्लास्ट के पार्ट हो गए। ये किस कैसा मूवमेंट कहलाएगा, एपोप्लास्टिक मूवमेंट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, इंपॉर्टेंट लाइन कि यंग स्टेम में, ठीक है ना, पानी डायरेक्टली एंटर करता है जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स में, दीज आर नॉन लिविंग, जो वेसल्स और ट्रैकेट्स हैं ये क्या है, नॉन लिविंग पार्ट है, और ये क्या है, एपोप्लास्ट कराता है। द पाथ ऑफ वाटर एंड मिनरल आयंस इनटू द रूट वास्कुलर सिस्टम इज समराइज्ड इन फिगर 11.7, ठीक है ना, रूट के अंदर ये दिखा रखा है, वही सारी कहानी है जो हमने पीछे फिगर में पढ़ी है, वो यहाँ दिखाई दे रही है। आगे आते हैं, सम प्लांट्स हैव एडिशनल स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद देम, कुछ प्लांट्स में कुछ एडिशनल चीजें और होती हैं, ठीक है, डेट हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन या मिनरल एब्जॉर्प्शन। कुछ प्लांट्स में रूट्स के अलावा भी कुछ और चीजें पाई जाती हैं जो उसको वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, फॉर एग्जाम्पल माइकोराइजा इज अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन। माइकोराइजा चीज क्या होती है, ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, मतलब फंगस का, फंगस होता है रूट के, रूट में जाकर रहता है, ये इतना ज्यादा फैल जाता है कि पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, अब बदले में रूट उसको अपने अंदर रहने की जगह देती है, दैट्स इट। माइक्रोराइजा इज अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ ए फंगस विद अ रूट सिस्टम, ठीक है ना, रूट सिस्टम के साथ ये उसका एसोसिएशन होता है। द फंगल क्या कह रहा है, द फंगल एलिमेंट, फंगल फिलामेंट फॉर्म अ नेटवर्क। एक्चुअली होता क्या है, देखो जैसे ये रूट है ना, ये मान लो प्लांट की रूट्स है, तो जो फंगस होगा ना वो क्या करेगा, ऐसे बहुत इसके अंदर अपना घर बनाता है रहने के लिए, और बदले में ऐसा फैल जाता है और भी ज़्यादा। अब देखो ये रूट केवल इतनी थी और ये फंगस पूरा ना इस टाइप से फैल गया है, तो कितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा दिया है, बहुत ज़्यादा पानी क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, ये प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। बात समझ में आई, कुछ इस टाइप से ये रहता है, तो इनको हम लोग फिलामेंट्स कहते हैं, ये जो फंगस का ये रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट्स कहते हैं, क्लियर। तो द फंगल फिलामेंट्स फॉर्म अ नेटवर्क, एक नेटवर्क बना लिया, देखो नेटवर्क जाल सा बना लिया, अराउंड द यंग रूट और दे पेनिट्रेट द रूट सेल, रूट के आसपास या उसके अंदर घुस भी जाते हैं। द हाइफे हैव अ वेरी लार्ज सर्फेस एरिया, अब ये जो हाइफे निकले हुए हैं फंगल फिलामेंट तो इसके अंदर चले गए और ये जो बाहर निकल के आ गए, दीज आर हाइफे। हाइफे पता ना क्या होता है, एक फिलामेंट होता है और एक तरह से हम कहते हैं रूट और रूट हेयर, वैसे फिलामेंट और हाइफे हैं, हाइफे को हम लोग रूट हेयर से कंपेयर कर सकते हैं, समझने के लिए बात बता रहा हूं मैं। फंगस में मेन ये होता है ना, और ये साथ में ऐसे करके ढेर सारे निकले रहते हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर है फंगस का जो पेंसिलियम या ब्रेड मोल्ड में हमको देखने को मिल जाता है, एक मेन फिलामेंट रहेगा और साथ में ये सब क्या निकला रहता है, बहुत सारे रूट हेयर टाइप के स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइफे या हाइफी। हैव ए वेरी लार्ज सर्फेस एरिया डेट एब्जॉर्ब मिनरल आयंस एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल फ्रॉम अ मच लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉइल डेट परहैप्स अ रूट कैन नॉट डू, इतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ पानी और मिनरल का एब्जॉर्ब करता है जो शायद, परहैप मतलब शायद, रूट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। बात समझ में आ गई, तो यहां पर ध्यान रखना है, फिलामेंट फॉर्म अ नेटवर्क अराउंड द यंग रूट, जो फिलामेंट है वो रूट के आसपास नेटवर्क बना रहा है, ठीक है ना, और दे पेनिट्रेट द रूट सेल और उसके अंदर चले जाएंगे। अब इस फिलामेंट से जो हाइफे निकलेंगे वो उसका सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, क्लियर है। तो फिलामेंट कहां पर है फंगस का और हाइफे कहां पर है, हाइफे क्या काम कर रहे हैं। द फंगस प्रोवाइड मिनरल्स एंड वाटर टू द रूट्स, फंगस क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवा रहा है, मिनरल्स एंड वाटर टू द रूट्स, रूट्स को मिनरल और वाटर प्रोवाइड करा रहा है, इन टर्न बदले में रूट्स प्रोवाइड सुगर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, बदले में रूट जो होती है सुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स फंगस को दे रही है ताकि वो फल फूल सके। टू द माइकोराइजे सम प्लांट्स हैव ऑब्लिगेट एसोसिएशंस,
ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी, कुछ प्लांट्स में कंपलसरी होता है, बिना इसके वो जिंदा नहीं रह पाएंगे विद द माइक्रोराइजा. फॉर एग्जाम्पल पाइनस सीड कैनॉट जर्मिनेट, जब पाइनस का सीड होता है वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा एंड एस्टेब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोराइजा. अगर माइक्रोराइजा स्टार्टिंग में उसे कैप्चर करके न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड नहीं करवाएगा तो ये जो सीड होती है ये कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी. क्लियर है बातें माइक्रोराइजा वाली, ठीक है ना, कि किस तरीके से माइक्रोराइजा प्लांट्स को क्या करता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कराता है. उसमें पाइनस सीड का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है कि ये तो बिना उसके ग्रो ही नहीं कर पाएगा. क्लियर, चलें आगे. ओके, आगे आते हैं, देखते हैं क्या है ये. अब कह रहा है 11.3.2 पे आते हैं हम लोग. वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट, वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट, प्लांट में पानी का मूवमेंट ऊपर कैसे होगा, आओ समझते हैं. ये अभी हमने जो समझ लिया वो क्या समझ लिया, बेसिकली पानी रूट के अंदर घुसा कैसे और कहां पहुंच गया, जाइलम के पास. अब जाइलम से चढ़ के कहां जाएगा, ऊपर. जाइलम से चढ़ के कहां जाएगा, ऊपर जाएगा. तो देखते हैं क्या कर रहा है. वी लुक्ड एट हाउ प्लांट्स, क्या कह रहा है, वी लुक्ड एट हाउ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. हमने एक चीज तो समझ ली, पानी एब्जॉर्ब कैसे होता है, एपोप्लास्टिक सिंप्लास्टिक होता हुआ कहां तक पहुंच गया, जाइलम तक. ओके, एंड मूव इट इनटू द वस्कुलर टिश्यू, मतलब वस्कुलर टिश्यू तक पानी कैसे पहुंचा, ये कहानी समझ में आ गई. वी नाउ हैव टू ट्राई, अब हमें कोशिश करनी है एंड अंडरस्टैंड और समझना है हाउ दिस वाटर, कैसे ये पानी इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कैसे ये पानी ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में. ठीक है, इज द वाटर मूवमेंट एक्टिव, क्या पानी का मूवमेंट एक्टिव है. अब बच्चा का एक्टिव, अरे एक्टिव मतलब क्या पानी के मूवमेंट में एनर्जी खर्च होती है, एक्टिव है. और इज इट स्टिल पैसिव, और ये बिना एनर्जी के ही चारों तरफ फैल जाता है. ठीक है ना, यहाँ एक्टिव पैसिव वो नहीं है, एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने लग जाओ इंग्लिश में, ठीक है. एक्टिव और पैसिव मतलब एनर्जी खर्च हो रही है, एक्टिव मतलब एनर्जी खर्च हो रही है, या पैसिव मतलब एनर्जी खर्च नहीं हो रही है. सिंस द वाटर हैज टू बी मूव्ड अप अ स्टेम अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट चढ़ना उसे, वट प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर दिस, इसके लिए क्या एनर्जी, कहीं से कुछ चढ़ रही है ना तो एनर्जी चाहिए होगी, ऐसा क्वेश्चन बोल के क्रिएट कर रहा है. चाहिए कि नहीं चाहिए एनर्जी, लग रहा कि हाँ चाहिए, है ना. ये जब पढ़ते हैं ना एकदम क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि हाँ यार चढ़ तो रहा है पानी, ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी बोल भी रहा है, ग्रेविटी के खिलाफ चढ़ रहा है ऊपर, तो एनर्जी चाहिए होगी, कुछ ऐसा बता रहा है, फील करवा रहा है. तो कह रहा है कि आओ देखो बच्चों तुम्हें दिखाएं रूट प्रेशर की कहानी. ठीक है, क्या कह रहा है, एज वेरियस आयंस फ्रॉम द सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इन टू द वस्कुलर टिश्यूज ऑफ द रूट, कह रहा है कई सारे आयंस एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड, अब आयंस जो किए गए हैं वो एनर्जी खर्च करके एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड टू द वस्कुलर टिश्यू ऑफ द रूट. वाटर फॉलोस, पानी उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा. अब देखो यहां पर कहानी क्या चल रही है, ये सेल है जो आयंस, मान लो आयंस यहां से एब्जॉर्ब किए, फिर आयन यहां आ गए, फिर आयन यहां आ गए. अब मान लो 100 यहां एब्जॉर्ब किए थे, फिर इन 100 को यहां ढकेला गया, फिर इन 100 को यहां ढकेला गया. अब यहां तो जीरो हो गए, यहां जीरो हो गए. अब ऑस्मोसिस पड़ी थी हम लोगों ने, तो यहां पानी ज्यादा हो गया, यहां सॉल्ट ज्यादा हो गया, तो पानी ऑटोमेटिक यहां से यहां मूव करेगा. जब यहां ज्यादा था तो पानी यहां से यहां मूव करेगा, ठीक है ना. जब सॉल्ट यहां आ गया तो पानी इसके पीछे पीछे यहां मूव करेगा. बात समझ में आ रही है. तो यही कह रहा है कि सॉल्ट जो आयंस थे उनको तो एक्टिवली खींच लिया, प्लांट में जरूरत थी, आओ तुमको, उनके बिना तो मर जाएंगे वो, पानी के बिना भी मर जाएंगे, लेकिन पानी तो डिफ्यूज हो जाएगा पीछे पीछे. और वाटर फॉलोस इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना, पानी क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा एंड इंक्रीजेस द प्रेशर इनसाइड द जाइलम, और क्या इंक्रीज करेगा, जाइलम के अंदर प्रेशर इंक्रीज करेगा. ठीक है, यानी कि एक कहानी समझ में आ गई, पानी हमारा कहां पहुंच चुका है, जाइलम तक. अब आगे की कहानी क्या चल रही है, आयंस हमारे क्या है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं ढकेल ढकेल के, पीछे पीछे पानी चल रहा है उनके. ठीक है, और क्या क्रिएट हो रहा है, जब पानी जब घुसता है तो अंदर क्या, मैंने कल बता रहा था जब डिस्कस कर रहा था मैं नेक्स्ट पिछले लेक्चर में, कि पानी होता ऐसे है ना, पानी अंदर खींचेगा तो ऐसे फूलता है कोई चीज, तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है. दिस पॉजिटिव, अब देखो क्योंकि पानी उसके पीछे आ रहा है, ये हॉस पाइप वाला आ गया ढकेल रहा है पीछे से, तो पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट कर रहा है. क्या हो रहा है क्रिएट, दिस पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर. रूट की वजह से हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग का पॉइंट में हुआ है, तो इसको क्या कहा गया है,
दिस पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर एंड कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, और ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है पुशिंग अप वाटर टू स्मॉल हाइट, छोटी छोटी हाइट तक, बहुत छोटी छोटी हाइट, हाथ तो देखने लगा इतनी इतनी हाइट, ठीक है ना, छोटी छोटी हाइट तक पानी को ढकेलने में ये हेल्पफुल हो सकता है स्मॉल हाइट के लिए इन द स्टेम, ठीक है। एक कहानी तो ये होगी, उसने क्या जिक्र कर दिया, रूट प्रेशर का, कि आयंस आ रहे हैं उसके पीछे पीछे पानी आ रहा है जो कि रूट जो कि प्रेशर क्रिएट करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूट प्रेशर। हाउ कैन वी सी डैट, ये हम कैसे देख सकते हैं रूट प्रेशर एग्जिस्ट, कि रूट प्रेशर है वाकई में, क्या ये बात सच है, आओ देखिए जरा। कह रहा है चूज अ स्मॉल सॉफ्ट स्टेम्ड प्लांट, कोई एक चूज कर लो सॉफ्ट स्टेम, जिसकी स्टेम सॉफ्ट हो, ऐसे प्लांट को ऑन अ डे किसी दिन व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, जब आसपास मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो, नमी होगी ज्यादा, मतलब हमको कब रेनी सीजन ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ओके, कट द स्टेम हॉरिजॉन्टली नियर द बेस, बेस के पास स्टेम को कट कर दो विद अ शार्प ब्लेड, एक शार्प ब्लेड से, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। यू विल सून सी ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऊजेस आउट ऑफ द कट स्टेम, मतलब एक स्टेम था कुछ होगा करके, यहां से कट मार दिया तुमने, अब स्टेम केवल ऐसी रहेगी, तुम क्या देखोगे यहां से पानी क्या हो रहा है, निकल निकल के बाहर आ रहा है, ऊजेस आउट, ऊजेस आउट मतलब कहीं से पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप बाहर आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊजेस आउट ऑफ द कट स्टेम। दिस कम्स आउट ड्यू टू पॉजिटिव रूट प्रेशर, ये क्यों बाहर आ रहा है, क्योंकि यहां पर क्या रूट प्रेशर है, मतलब पानी तो लगातार क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, धक्का मार रहा है ऊपर, तो धीरे धीरे पानी की ड्रॉप्स यहां पर ऐसे करके कुछ तुम्हें दिख जाएंगी यहां पर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रूट प्रेशर की वजह से, वो कह रहा है सिंपल एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो अपने घर पर, क्लियर। आओ अगेन, पॉजिटिव रूट प्रेशर ध्यान रखना, कैसा प्रेशर है, पॉजिटिव है। इफ यू फिक्स अ रबर ट्यूब टू द कट स्टेम एज ए स्लीव, यू कैन एक्चुअली कलेक्ट द मेजर द रेट ऑफ एक्सुडेशन। अब वो कह रहा है यहां पर तुम एक काम कर लो, एक ट्यूब जैसा कुछ लगा दो, और अगले एक घंटे में या एक मिनट में कितना पानी यहाँ पर आ रहा है उसे कलेक्ट कर लो, उसका वॉल्यूम नाप लो, रेट पता चल जाएगा कि एक घंटे में इतना वॉल्यूम या इतना एमएल पानी इकट्ठा हो गया, सिंपल है ना। स्लीव, स्लीव मतलब बाजू होती है ना, ऐसी एक बाजू लगा दो यहाँ पर, बात समझ में आ रही है, ये तुमने यहाँ पर कट कर दिया इसको, ये नीचे रूट है इसकी, अब तुमको यहाँ पर करना क्या है, एक कुछ भी ले लो, बैलून ले लो या पॉलिथीन से ऐसे लेकर के ऐसे करके ऐसे लगा दो यहाँ पर, पानी इसके अंदर धीरे धीरे क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, इसको निकालो एक घंटे बाद कितना पानी आ गया है उसे वेट कर लो, बात समझ में आ गई। तो स्लीव यहाँ कुछ और नहीं है, स्लीव मतलब कुछ ही लगा दो, यू कैन एक्चुअली कलेक्ट एंड मेजर द रेट ऑफ एक्सुडेशन, एक्सुडेशन मतलब जो चीज एक्सक्यूड हो रही है, जो चीज यहाँ से बाहर निकल रही है, पानी तो बाहर निकल रहा है, एंड ऑल्सो डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द एक्सुडेट, और तुम ये जो निकला है इसको केमिकली टेस्ट करके देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या है, तो तुम पाओगे कि इसके अंदर सॉइल के अंदर पाए जाने वाले जो आयंस वगैरह वो होते हैं। अब क्या कह रहा आगे, इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज आल्सो ऑब्जर्वेबल एट नाइट, रूट प्रेशर को हम लोग नाइट में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, एंड अर्ली मॉर्निंग, दो जगह कर सकते हैं, लेट नाइट वहां पे भी क्या होता है, गर्मी ज्यादा होती नहीं है, पानी प्रेशर लगाता है तो बाहर निकल सकता है, अर्ली मॉर्निंग में भी धूप नहीं होती, कि धूप ज्यादा होगी तो पानी खटाखट क्या होगा, एवोपरेट होगा, उड़ जाएगा, ठीक है। व्हेन एवोपरेशन इज स्लो, यानी कि एवोपरेशन को स्लो होना चाहिए, सीधी सी बात ये है, तो तुम इसको एब्जॉर्ब कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी। एंड एक्सेस वाटर कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉप के रूप में एक्सेस वाटर यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है अराउंड स्पेशल ओपनिंग ऑफ वीन्स नियर द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड। अब तुम क्या कह रहे हो, इसको नॉर्मल ऐसे भी देख सकते हो कि जो ग्रास की ब्लेड होती है, ब्लेड मतलब घास का पत्ता होता है, ये तो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट, ये क्या हो गया एक्सपेरिमेंट, अब दूसरी बात वो जर्नल नेचुरल की बात कर रहा है, नेचुरल में क्या है हमारे पास, नेचुरल में तुम लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो घास के पत्ते होते हैं उनके किनारे किनारे तुम्हें छोटे छोटे ड्रॉप से मिल जाएंगे पानी के, सुबह के टाइम या शाम के टाइम, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रूट बहुत ज़्यादा पानी खींच रही होती है और अब एवपोरेशन पानी उड़ तो रहा नहीं है बहुत ज़्यादा, तो तुम्हें किनारों पर क्या दिख जाएगा, ये ड्रॉप दिख जाएंगे। तो यही बात कह रहा है, इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज ऑल्सो, ये हो गया मेरा एक्सपेरिमेंट, स्लीव वाला चूज स्मॉल, ये क्या हो गया एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ से क्या कंडीशन आ रही है, रूट ऑफ ऑल्सो ऑफ, ये हो गया मेरा नेचुरल, कुदरती तौर पर देख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, मार्क कर लेना, ऊपर हो गया एक्सपेरिमेंट, ये क्या आ गया नेचुरल बता रहा है, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट।
ये जो पत्तों के किनारे ड्रॉप्स आ जाते हैं ना, इसको हम लोग क्या कहा गया है, एंड लीव्स ऑफ मेनली हर्बेसियस प्लांट सच ए वाटर लॉस इन लिक्विड फेज इज नोन एज गटेशन। ये जो ऑटोमेटिकली किनारों पर ड्रॉप आ जाते हैं इसको क्या कहा गया है, गटेशन कहा गया है। बात समझ में आ गई? तो कह रहा है इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज ऑल्सो ऑब्जर्वेबल एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं अराउंड स्पेशल ओपनिंग ऑफ विंग्स। यहां पर ना किनारों पर खास तरह की ओपनिंग होती है, ठीक है, विंग्स में जो उसकी विंगलेट्स होती है पत्तों में, एट द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स जो इनकी टिप होती है, ठीक है, एंड लीव्स ऑफ मेनी हर्बेशियस पार्ट्स, जो हर्बेशियस पार्ट होते हैं यानी हर्ब होती हैं, सच वाटर लॉस, जब इस टाइप से कोई वाटर का लॉस होता है उसको क्या कहा जाता है, गटेशन कहा जाता है। गटेशन क्लियर हो गया, आगे आए। अब कह रहा है रूट प्रेशर कैन एट बेस्ट ओनली प्रोवाइड अ मॉडेस्ट पुश, जो अपना सबसे ताकत लगा करके रूट प्रेशर पानी को चढ़ा सकता है ना, वो बहुत मॉडेस्ट ठीक ठाक इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, जो पूरा प्रोसेस है जड़ से लेके आखिरी पत्ते तक जाने का, उसमें वो मॉडेस्ट पुश, ओके ओके पुश लगाएगा इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। दे ऑब्वियसली डू नॉट प्ले अ मेजर रोल, जाहिर सी बात है वो मेजर रोल प्ले नहीं करेंगे, मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करते, ओके ओके वाला रोल प्ले करते हैं इन वाटर मूवमेंट अप टॉल ट्री। टॉल ट्री की बात करेंगे तो रूट प्रेशर ओके ओके मॉडेस्ट पुश लगाएंगे, बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करते हैं। द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर, ठीक है, मे बी टू रीस्टेब्लिश द कंटिन्यूस चेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या रहा है, द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर, रूट प्रेशर का जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, मे बी शायद टू रीस्टेब्लिश द कंटिन्यूस चेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का जो कंटिन्यूस चेन की एक चेन बनी रहे, लगातार पानी नीचे से खींचता रहे, इन द जाइलम विच इज ऑफन ब्रेक अंडर द इनॉर्मस टेंशन क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन। कई बार होता क्या है, ये मान लो जाइलम है, जाइलम जो जा रहा है ना ऊपर, बहुत लंबा मान लो 100 मीटर का पेड़ है ये, सबसे ऊपर क्या है पत्ता है, नीचे क्या है रूट्स हैं। अब मान लो बहुत ज़्यादा एवेपोरेशन हो गया तो पानी यहाँ खींच गया, ये पानी खींचा फिर यहाँ ब्रेक लग गया, यहाँ पानी नहीं है, जैसे नहीं पाइप के बीच बीच में पानी है कहीं पानी नहीं है, पानी है कहीं पानी नहीं है, जो पानी के ब्रेक हो जाते हैं। अब अगर ये ब्रेक हो गया है तो क्या होगा, पानी को चढ़ने में दिक्कत आएगी। तो वो उसी की बात कर रहा है, द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर मे बी रीस्टेब्लिश द कंटिन्यूस चेन, ये जो चेन टूट जाती है उसको वापस से नीचे धक्का मार मार के पानी से इस चेन को मेंटेन करना, ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन जाइलम विच ऑफन ब्रेक, जो अक्सर टूट जाती है अंडर द इनॉर्मस टेंशन, या टेंशन का मतलब क्या हो गया, जो कि पानी ऑपरेट हो रहा है ना। अब इसको ऐसा समझो तो कि तुम स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ से पानी खींच रहे हो और पानी ऊपर खींचा और बीच में ब्रेक हो गया पानी का, टूट गया, तो क्या होगा, पानी खींचने में दिक्कत आएगी, नीचे से कोई पुश कर दे अगर तो पानी आगे फिर से जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये स्ट्रॉ तुम खींच रहे हो, पानी तुमने खींचा, पानी यहां पर था और यहां तक पानी है, और फिर ये पानी यहां पे आ गया, सपोज ब्रेक कर गया, अब होगा क्या, ये पानी तो चला जाएगा, फिर पानी नहीं आएगा, होना क्या चाहिए, कोई नीचे धक्का मार दे कि ये जो गैप है ये जुड़ जाए। तो ये काम कौन कर रहे हैं, रूट प्रेशर कर रहा है। बात क्लियर हो गई, नीचे से धक्का मार के वो जो चेन ब्रेक कर गई है उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, नीचे से, रूट प्रेशर। क्लियर है, ओके। रूट प्रेशर डज नॉट अकाउंट फॉर द मेजोरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, रूट प्रेशर जो पानी को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा रोल नहीं है, मोस्ट प्लांट मीट देयर नीड बाय ट्रांसपिरेशन पुल। ये आगे असली कहानी, ज्यादातर प्लांट्स में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल, खिंचाव, कैसा खिंचाव, ट्रांसपिरेशन पुल को सिंपल समझ लें हम लोग, जो मैं बता रहा हूं, अगर ये पूरा पानी जुड़ा हुआ है तो ऊपर से जब खींचूंगा तो यहां क्या क्रिएट होगा, वैक्यूम। सेम यहां पर है, पत्ते से पानी उड़ा, यहां क्या क्रिएट हुआ, वैक्यूम, ठीक है, इस वैक्यूम में नीचे वाले पानी खींचा, नीचे वाले नीचे को, नीचे वाले नीचे को, और इस तरीके से क्या हो रहा है, पुल खींचता हुआ चला जा रहा है, इसी को क्या कहा गया है, ट्रांसपिरेशन पुल। ये सक्शन प्रेशर, ये जो वैक्यूम क्रिएट होता है ट्रांसपिरेशन होने की वजह से, ये सबसे बड़ी वजह है पानी के ऊपर खींचने की। क्लियर है, नाउ द टॉपिक ट्रांसपिरेशन पुल, चले आगे। कह रहा है डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ अ हार्ट, हमारे पास तो हार्ट है, पंप करता है ब्रेन से लेके टो तक, कह रहा है यहां तो हर्ट है नहीं और सर्कुलेटरी सिस्टम, यहां पे कोई सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है प्लांट के अंदर, द अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम इन प्लांट कैन अचीव फेयरली हाई, इसके बावजूद भी काफी अच्छा
वो हाइट तक क्या है चीज को अचीव कर लेता है, काफी अच्छी हाइट तक पानी पहुंच जाता है, जबकि यहां पर ना कोई हार्ट है ना कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अप टू अ रेट ऑफ 15 मीटर पर आवर, काफी अच्छा है, 15 मीटर चढ़ जाता है एक घंटे में। हाउ इज दिस मूवमेंट अकम्प्लिश, अकम्प्लिश मतलब पूरा करना, किस तरीके से मूवमेंट पूरा होता है। अ लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन इज वेदर वाटर इज पुश्ड और पुल, एक बहुत समय से कुछ सवाल है ये, पानी ढकेला जाता है या पानी खींचा जाता है। क्लियर, थ्रू द प्लांट, प्लांट के थ्रू पानी खींचा जा रहा है या धक्का ले जा रहा है। मोस्ट रिसर्चर्स एग्री डेट वाटर इज मेनली पुल्ड, ज्यादातर जो रिसर्चर्स हैं वो एग्री करते हैं कि पानी खींचा जाता है ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू थ्रू द प्लांट एंड डेट द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस पर्पस इज ट्रांसपिरेशन, और इस खींचने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है, इसको खिंचाव देने के लिए जो फोर्स काम करती है वो कौन सी है, ट्रांसपिरेशन, कौन सी है, ट्रांसपिरेशन। ओके, तो क्या कह रहा है ये, जो ड्राइविंग फोर्स है फॉर दिस पर्पस इज ट्रांसपिरेशन, खींचने के लिए जो फोर्स काम करेगी वो कौन सी है, ट्रांसपिरेशन है। फ्रॉम द लीव्स, लीव्स के पत्तों में से जो फाइनली क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, जो क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, उसमें जो फोर्स काम करती है वो कौन सी है, ये जो ट्रांसपिरेशन है ये एक वैक्यूम क्रिएट कर देगी यहां पर, ये वैक्यूम नीचे को खींचेगा जैसे कि हम लोग स्ट्रॉ में खींचते हैं। क्लियर होगी बात, तो पुल करने के लिए जो फोर्स काम करती है कौन क्रिएट करता है, ट्रांसपिरेशन। दिस इज रेफर्ड एज कोहेसन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल, देखो ये वही कहानी आगे जो बता रहा था, पानी को इसके साथ ही चिपकना पड़ेगा है ना, पानी को इसके साथ ही चिपकना है, एडहेशन हो गया, पानी के मॉलिक्यूल को आपस में चिपक के चलना है, ये यहां से ऊपर क्रॉल करेगा और साथ साथ में इसको भी खींचेगा, तो कोहेसन एडहेशन है ना, कोहेसन आपस में, एडहेशन दीवार के साथ, और ट्रांसपिरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ये ट्रांसपिरेशन की वजह से यहां पर क्या क्रिएट हो रहा है, क्या क्रिएट हो रहा है, यहां पर वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम सा क्रिएट होने की वजह से क्या हो रहा है, इसको खींचना आसान हो जा रहा है। ठीक है ना, पानी चढ़ रहा है अपने आप, तो ये बन गया हमारा कोहेसन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। अपने आप में काफी बड़ा डिटेलिंग है, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में सिर्फ इतना सा जिक्र है, यहां पर बहुत ज्यादा डिटेलिंग में चीजें नहीं है। क्या कह रहा है, ओके, मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसफर, बट व्हाट जनरेट दिस, इसको जनरेट कौन करता है, किसको, ट्रांसपिरेशन पुल को, ये ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट कैसे हो जा रहा है, तो कह रहा है वाटर इज ट्रांजिएंट इन प्लांट, वाटर जो है बहुत कम समय के लिए प्लांट में रहता है, ट्रांजिएंट है, आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। लेस देन 1% ऑफ द वाटर रीचिंग द लीव इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, 100 दिन भर में मान लो जैसे 15 मीटर एक घंटे में चढ़ गया, दिन भर में मान लो उसने 100 लीटर पानी चढ़ाया अंदर, प्लांट ने खींचा, तो मात्र 1 लीटर पानी ही प्लांट अपने लिए इस्तेमाल करता है जीने के लिए, बाकी 99% उड़ जाता है पानी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। लीव्स यूज्ड फोटोसिंथेसिस, यानी कि केवल 1% पानी ही वो फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करता है और अपनी ग्रोथ के लिए। मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा, ज्यादातर पानी 1% के अलावा जो बाकी पानी है स्टोमेटा से क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है, जो कि लीव्स में पाए जाते हैं स्टोमेटा। ये दिस वाटर लॉस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, इस वाटर लॉस को क्या नाम दिया गया है, ट्रांसपिरेशन कहा गया है। क्लियर है, आगे आते हैं, क्या कह रहा है ये, यू हैव स्टडीड ट्रांसपिरेशन इन अर्लियर क्लासेस बाय इंक्लोजिंग अ हेल्दी प्लांट इन पॉलिथीन बैग एंड ऑब्जॉर्बिंग द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड इनसाइड द बैग। तुम कह रहे 9-10 क्लास में क्या है ना, प्लांट को पॉलिथीन में बंद कर दो, थोड़ी देर में देखो तो वहां पे क्या है, पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, ठीक है। यू कुड ऑल्सो स्टडी वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स यूजिंग कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ठीक है, विच टर्न्स कलर ऑन एब्जॉर्बिंग वाटर, जो कि पानी को एब्जॉर्ब करने पे, यानी कि बंद कर दो वहां पे कोबाल्ट क्लोराइड लग दो, ठीक है ना, पानी जो उड़ के आएगा उससे टकराएगा और उसका कलर बदल जाएगा। तो सिंपल है, दो बातें बता रहा है कि इसको हम लोग कैसे कैसे चेक कर सकते हैं। यू हैव स्टडीड, पहले पढ़ चुके हो इन अर्लियर क्लास, बाय इंक्लोजिंग, बंद करना है एक हेल्दी प्लांट को पॉलिथीन बैग में एंड ऑब्जॉर्ब द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, पॉलिथीन में पानी के ड्रॉप्स आ जाएंगे फॉर्म्ड इनसाइड द बैग। और यू कुड ऑल्सो स्टडी वाटर, तुम पानी को स्टडी कर सकते हो लॉस फ्रॉम द लीफ, कि पत्तों से पानी का लॉस होता है, इसको और एक तरीके से स्टडी कर सकते हो यूजिंग
कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर होता है ठीक है, उसको अंदर रख दो, पानी जो उड़ के आएगा उस पर लगेगा, वो अपना कलर क्या करेगा, चेंज कर लेगा, जब पानी को क्या करेगा वो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब कौन करेगा, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। क्लियर है? तो ये था हमारा हेडिंग 11.3 और उसकी सब हेडिंग जिसको हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें से चाहो तो छोटे-छोटे नोट्स बना के अलग कर सकते हो, अदरवाइज एक या दो बार वीडियो देखोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्या करना है, रिवीजन करना है। ऑल द बेस्ट।